मुझे पूछना था जेरेमी से, ये वैल्यू फंड और ये फोकस फंड में डिफरेंस क्या होता है? मतलब दोनों, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में? वैल्यू फंड भी होता है, एक फोकस फंड भी होता है जी। और दूसरा मुझे पूछना था, एक सेविंग अकाउंट में जो हमको इंटरेस्ट मिलता है वो 3 मंथ्स में मिलता है या 1 मंथ में मिलता है? जी स्थान है, आपको आपको इंटरेस्ट तो हर रोज मिलता है, लेकिन उसका जो जो उस आपका जो प्रिंसिपल जोड़ा जाता है वो 3 महीने पे होता है सेविंग बैंक अकाउंट में। और वैल्यू और फोकस में क्या अंतर है? फोकस फंड जो है वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, लेकिन कम शेयरों में पैसा लगाते हैं, 10 15 20 कंपनी के शेयर में लगाते हैं, ताकि अगर उनका उनका जो जो स्टॉक सिलेक्शन है, उनका जो चॉइस है, अगर वो काम करे तो फंड पे खासा असर दिखे। वैल्यू फंड वो है जिसमें फंड मैनेजर एफर्ट लगा रहा है, ये जिसकी उसकी कोशिश होती है तो उन कंपनियों में, उन कंपनियों से अपना पोर्टफोलियो बनाए जो बाजार आमतौर पे इग्नोर कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, और उसे लगता है, और वो रिलेटिवली सस्ते हैं, और उसे लगता है कि तुलनात्मक तौर पे बाजार में वो सस्ते उपलब्ध हैं।